फल सदा अपन कर्तव्य का। सोचता है नहीं फिर भी इंसान है, कर बुराई छिपाता सदा भेद को, देखता लेकिन ऊपर से भगवान है। जिंदगी चार दिन की मिली है तुम्हें, काम ऐसा करो बनो मेहरबान तुम। जन्म तेरा हुआ सोचो किस अर्थ में, बन के जाओ धरातल से भगवान तुम। ए भैया, बड़ी रंगीन एक ठे कहानी आपके सामने प्रस्तुत बा। बिरहा में एक ठे कव्वाली का टुकड़ा लगल मास्टर। वफा में मुझको भी बिरहा के अंदर भावा मास्टर। चल बे वफा की राह में, के चल बे वफा की राह में, दुनिया फिसल गई। दौलत की लेके जा, ओ दौलत की लेके जा, हाँ दौलत की लेके जा, को नियत बदल गई। कहानी की शुरुआत भल मास्टर। बाबा मोहब्बत प्यार का जलवा सदा जराती है, मोहब्बत होती एक सुहागिनी की थाती है। दहेज करता है गरीबों का परहेज नहीं, कि दौलत के आगे सराफत की इमेज नहीं। उदित नारायण की बेटी कुसुम कुमारी है, करूंगी शादी अपने मन में वह बिचारी है। हिसार गांव वह झांसी की रहने वाली है, हिसार गांव वह झांसी की रहने वाली है, एमय करके अपनी जिंदगी संभाली है। इसार गांव झांसी से कहानी की शुरुआत बा। उदित नारायण के एक बिटिया बा कुसुम। कुसुम एमए जब पास कर लस्या तो बराबर इश्तहार छपवावे की शादी करूंगी, लेकिन मेरी तीन शर्तें हैं। कवन? दुल्हन बन के ना अमीर के घर जाऊंगी, दुल्हन बन के ना अमीर के घर जाऊंगी, पति की जिंदगी में गुल नया खिलाऊंगी। मात्र मड़वा, मात्र मड़वा में जो सिंदूर लेकर आएगा वही से ब्याह करब। यो शर्त बा, मात्र मड़वा में जो सिंदूर लेकर आएगा वही शहजादा अपन शहजादी को ले जाएगा। उसी के साथ शादी करना पसंद करूंगी जो मात्र सिंदूर लेकर के आएगा। लेकिन मेरा सवाल है कुछ, इश्तहार
कोने कोने छपवा देती है। यहाँ के बिरहा में विदेशिया के भाव बा। पढ़ल राजीवाया का अखबार में खबरिया हो, अरहल रंजन बाबू जी का एक ही लाल नावा। फैक्ट्री का मालिक रहल ओई सूरत सहारिया में, तीन तल्ला खंडावा में जेकारा मा कनावा। कुसुम का इश्तहार जब पौला रंजन बाबूजी का एक ही लड़का राजीव बहुत अमीर ज्यादा हूं, कहा किसी भी हालत में उस लड़की से मैं शादी करूंगा। तो धीरे धीरे जाई ले कुसुम के दुआरिया हो, सदिया का बात उनके रखल न सामना। अतले दूसर पर सतावा लई ले अलखनऊ सहारिया से, विनय प्रताप एक तरफ वो अमीर ज्यादा राजीव अल तौले, दूसरे तरफ एक गरीब का लड़का जेकर नाम बतावल गल विनय प्रताप। इधनाड व्यक्ति बन दूसर का जौन बात उन गरीब बा, दोनों संग में पहुंच गई ना बात चल लगल, एक तर्ज लगे मास्टर। यह तर्ज बा कि सखी हो कारतिया भौए ई हुद बूदी बरेला, सखी हो कारतिया भौए सखी हो का कारतिया भौए की हुद बूदी बरेला, सखी हो का कारतिया भौए हुद बूदी बरेला, सखी हो का कारतिया भौए हुद बूदी बरेला। इता तर्ज है दुलही एक के जो है दुल्हा दुई दुई आई गई लेना, दुलही एक के जो है आई गई लेना, तू को आई गई लेना, आई गई लेना, तू को आई गई लेना, दुल्ही एक जो है दुल्हा तू को आई गई लेना। में जीव पड़ल गोरी घबड़ाईली, दुविधा में जीव पड़ल गोरी घबड़ाईली, दुविधा में जीव पड़ल गोरी घबड़ाईली। के बिसराई के कर सोचत बा, के बिसराई के अपन बनाई, एगो गरीब बतावत बा एगो अमीर बतावत बा। सर पूछे खातिन आवाज उठौली, के बिसराई मन में अपना हरसैली, के बिसराई मन में अपना हरसैली, के बिसराई मन में अपना हरसैली। एक ही फूल भमरा दू दू मेड़ा राई गई लेना, कहीं फूल भरा तू मेराई गई लेना, कहीं फूल भरा तू मेराई गई लेना।
के अपन बनाई बाबा के हटा नहीं बाबा यह दिमाग काम ना कर दूद लग दोनों हम का करी मन मन सोचत बा तर्ज लगे विरह में रात रजनी गंदा के फूल गम गमाइल इतना तर्ज बा विरह में कवि जी भाव लिखा बाबा विनय के दिल में सपनवा सजाई बात आ गई गोरी रे गोरी रे गोरी रे दुखद बात आ गई एक और धनवान बाट एक और अमीरिया झोपड़ी वो सरिया रे झोपड़ी वो सरिया सोच रही है कुसुम कुमारी जो गरीब है नालायक है ये जो गरीबा बाबा नालायक बाबा अमीर लड़का सूरत वाला शरीफ है और सुखदायक है राजीव मेरे हर राजीव मेरे हर लायक जो धन वाला दिल वाला है पर बिना नलायक गरीब लगता एकदम दिल का काला है कही कुसुम उन दोनों से मैं तीन शर्त दर्शाऊंगी जो शर्त का उत्तर दे देगा मैं उसको हाथ थमाऊंगी तीन मेरा तेर तीन मेरी शर्त है अगर उचित जवाब तुम दोनों में से जो दिया उसी के साथ या दामन बंध जाएगा हाँ बता लड़की बतौलस पहली शर्त बतौलस की बैठ के खाली खाई कुछ काम ना करब दूसरी शर्त सिंदूर कबो ना पहनब तीसरी शर्त मेरे मर जाने के बाद तुम लोग क्या करोगे जो मेरा पति बनना चाहता है कभी जी विरह में भाव लिखत हूँ अरे बनाई है जे कुसुम के दुलही अरे बनाई है जे कुसुम के हो बनाई है जे कुसुम के दुलही अपने हाथ कुलाड़ी अपने पांव में मरी है राजू कलस की पहले मैं जवाब दे दूं कहां तो राजू बोला रसाय ले बुद्धि राजा बधाय दे बस सपना पूरा हो हमार दुलही हमके हम बैठाए के खियाई नहीं सिंदूर पहनाई अमर बु हम मर जाई कुल बिसार दुलही बैठा के खियाई सिंदूर मत पहनिया मर जेबू तो हम मर जाए गरीब बाबा के बारी आई कतू हो बिन कलाइल बापारी बोला हथावा पसारी हम गरीब के दुआरी दे दा प्यार दुलही चल चला हमरे केहन बतावत बा कि शर्त बाई तू जोन कहत हुआ तू जोन कहत हुआ कि हम माने के तैयार हैं कुसुम सुन के जा जा बात मने मने हरा साथ दुल्हा जज्बाती जनात होनहार दुलही बिना बिना कया इल बापारी बोला हथवा पसारी हम गरीब के दुआरी दे दा प्यार दुलही चल
चला, हम तो गरीब हैं लेकिन तुहार सपना जरूर सजाई, कोशिश करब की खुश रखब। बाबा बिरहा में तर्ज लगल, घेरी आइल पूर्वी बयरिया उमरिया जवान हो गइल वो, अरे जवान हो उमरिया जवान हो गइल, जवान रे उमरिया जवान हो गइल, कही आले अहिया सवरिया कजरिया पुरान हो गइल हो, बतावत बा तू बिना बतावत बा गरीब बतावत बा, चला हम गरीब बाबा, चला हम गरीब के दुआरिया नवरिया किनार लगी है हो, अरे किनार होने वाली किनार लगी है, किनार रहने वाली किनार लगी है, प्रीतिया हो राम बाबा प्रीति है, प्रीति प्रीतिया का जोड़ बरसरिया, प्रीतिया का जोड़ बरसरिया नेवरिया किनार लगी है हो, लेकिन तू जोन शर्त बतावत छे गोबर पानी करे होई हमारी बखरिया, गोबर पानी काम धंधा कुल करे कोई, हम गरीब हैं घरवा बीमार बड़ी बुढ़िया मतरिया हो, बुढ़िया मतरिया हम गरीब हैं, जोहेली हो जोहेली जोहेली हो राम बाबा, हाय राम जोहेली वो तोहरी डहरिया नवरिया किनार लगी है हो, गरीब हई माई हमार बीमार बा, हम जोन गलत काम करीला जहां से पैसा लिया इला ओकरा पीछे हमार गरीबी बा, हमारा माई के बीमारी बा, उनका सेवा ना करबू काम ना करबू बैठल रहू तो हम गरीब के हम तो आर गुजर ना हुई। एक बात और कहला सका, अरे करा दूर तू समाज का बर्बादी हमारी सहजादी, सिंदूर हुआ बलमा का प्रसादी हमारी सहजादी, बिन सिंदूर के नाई सुहागिन ससुरे कबो कहैबू हो, सिंदूर हम पहराई तोके ससुराई तीन बन जाइबू हो, अरे सही सुने का केहू न बाटे आदी हमारी सहजादी, मर जाइबू त कहले दूसर शादी हमारी सहजादी, काम करे के पड़ी, सिंदूर कह दो कि ना पहन पहने के पड़ी, यह सैया का प्रसादी है, कह दो कि मर जाए तो का करब, दूसर ब्याह करब, मेहरारू ले आई माई के सेवा के करी, तू तो मर के मर जेबू, तो हम गलत ना बोलब सही बोलब, अगर बर्दाश्त होके तो सुनब, ना बर्दाश्त होके तो हम जाते हैं, तर्ज लगल बा आल्हा के भाव बा मास्टर।
हमारे नलायक बन के ये कही करन वो रनिया। अरे मारा लाक होई गई माई रे हामा, ना दवाई अरे गोरी केहू नहीं गवा के लोग झाटा मरवा छवा लगल। लेकिन बिना ये प्रताप दूल्हे राजा बनी गई ले। भैया विनय प्रताप दूल्हे राजा बन गई ले। अब मंगिया सजा के करई ले विदैया, भैया मंगिया सजा के करवल विदैया। अरे कुछ सौले लठिया से मारी मारी कैले दूर गतिया, अगल बगल के जुटल बजवार। छत्री थानावा बगैली ए भैया कैसे खबर छत्री थानावा बगैली। अरे दलबल के साथ आजी गईले थानेदार। अरे भागा नहीं पवला राजीव पकड़ैले कि रोई रोई कुसुम कुल बा सुनावई जहार। बिना दूल्हे राजा बन गई ल, शादी हो गई, लिया के संगे चल दहलन। रास्ते में वह अमीर ज्यादा जिसको लड़की ने साफ इनकार कर दिया, गुंडों के साथ आया घेरवा लिया। दूल्हे के रूप में उस बिना को निकाल करके बाबूजी गाड़ी में से और हाकियों से उसकी पिटाई शुरू कर दिया। तब तक मारता रहा, तब तक मारता रहा, जब तक बेचारा छटपटा के लहू में लुहान न हो गया। बाबा जिला देश जवार के लोग जुटे, बदमाश तो भाग खड़े हुए। थानेदार साहब आए, भाग नहीं सके। वो अमीर ज्यादा तैयारी ही कर रहा था, पकड़ लिया गया। लड़की रो करके थानेदार साहब के सामने बताती है, क्या कि कभी सराफत पैसा पर विध्वंस ना होई, भले ही सिंहासन पर बैठी कौआ हंस ना होई। राजीव पकड़ हमके बिहे के उ शरीफ बन अल, एक दिल में मानवता का अंश ना होई। दूल्हा गरीब पवला चुलबुली दुलहिया, आ दुल्हा अमीर काट जलवाई में तबहिया। मार पीट के पुलिस चालान करती है वह अमीर ज्यादा, जो तीनों शर्तों को मंजूर किया था लड़की की। काम नहीं करोगी तो बैठ के खाना, सिंदूर नहीं लगाओगी तो मत लगाना, सवाल तुम्हारे मर जाने का है। मैं इतना तुमसे प्यार करता हूं कि तू मर जाएगी तो मैं भी मर जाऊंगा। बताओ ओकर अरमान जब कटल तब प्रतिशोध लेहलस, लेकिन अंत में जेल का हवा खाए के पड़ल। कवि जी लिखत हूं, धर्म कराही का बहु पापी कंस ना होई, तक बहु सिंहासन पर बैठी कौआ हंस ना होई। गुरु रामलाल मोर पावन, स्वर्ग चंद्रिका कवि का लागे गीत सुहावन।
बनाई है जे कुसुम के दुलही विदाई प्यारे लाल जीवन भर मौजूद है बनाई है जे कुसुम के लगल बा कैसे रहल मास्टर यह कवाली के टुकड़ा बा कि तोड़ी दे अपने हाथी का कंगन हो तोड़ी दे अपने हाथी का कंगन और बांधी ले घुंघरू पाँव में और जुर्म की जकड़ी
खोया है इस देश का गौरव, खोया है इस देश का गौरव, डूब के गम की आहों में खोया है इस देश का गौरव। और शांति बना ला। देखा अब यहीं से विरहा कहानी शुरुआत भर। हवा के झोंके से खुशबू आने की मिलती है, हवा के झोंके से खुशबू आने की मिलती है, उसी के अंग में यह जिंदगी मचलती है। जिंदगी जीने का यम बेट करने राह दिया, जिंदगी जीने का यम बेट करने राह दिया, सजा कानून संविधान। लोग मचनिया की खाली हरजन लोग खातिर बा, इस सब करे खातिर बा बाबा। जितना दलित और शोषित लोग के नजाज फायदा उठौलन लोग, देखा का नजाज फायदा लोग उठेले हुआ। यहाँ तर्ज लगल बा मास्टर, यह तर्ज बा कि बहे पूर्वी हो, बहे पूर्वी बयारी हो, कि बहे पूर्वी बयारी हो, उड़े लाचरा हो, उड़े लाचरा सब ही गाई ले हो, सब ही गाई ले डराया हो, एलान भाई ले हो, एलान भाई ले, सब ही गाई ले डराया हो, एलान भाई ले हो, एलान भाई ले, सब ही गाई ले डराया हो, एलान भाई ले हो, एलान भाई ले। अरे केतनन के अतने से मन बढ़ी गई ले, चल सीनवा हो, चल सीनवा फुलाया हो, एलान बैल हो, एलान बैल, चल सीनवा फुलाया हो, एलान बैल हो, एलान बैल, चल सीनवा फुलाया हो, एलान बैल हो, एलान बैल। ए भैया बाबा, ये एक्ट जब लागू भयल तो कितने जने का मन बढ़ गयल, कितना जने नजाज फायदा उठेलन बाबा, और कितना जने जनून में आके सीना फुला के चलत हूँ बाबा। तो देखा यहाँ दर्ज लग मास्टर, सिकरी देवरिया की कहानी, सिकरी देवरिया की कहानी, धर्मपाल बिंद कैले नदानी, देवरिया जिला सिकरी गांव का धनपाल बिंद रहल करत का हुआ। भैला पंचान दे में मुन करी गवनवा, सजिया पे झूमे ले जवानी, सजिया पे झूमे ले जवानी, धनपाल बिंद कैले नदानी, सजिया पे झूमे ले जवानी, धनपाल बिंद कैले नदानी, सजिया पे झूमे ले जवानी, धनपाल बिंद कैले नदानी। वही गांव के धनपाल बिंद का नदानी करत हुआ। यहां तर्ज बदल गए मास्टर बाबा।
है गीतबा। अरे बोला हो बोला इतने दिन में इतना कैसे मोटेल ये बबनी बोला इतने दिन में अरे पौली सजनवा वो पौली सजनवा भैल मिलनवा त्या गदरैया बबुआ पौली सजनवा भैल मिलनवा त्या गदरैया बबुआ। इस सब तो धुन तर्जबा सन 95 में जब धनपाल बिंद का औरत ऐलिन गीता गीता जब ऐलिन तो उनकर दुल्हन यह समझावत इनका। अरे घरवा हो घरवा रह के कहके हो घरवा रह के कहके किसनिया कुछ ना पैबा ये सजना घरवा रह के कहके किसनिया कुछ ना पैबा ये सजना घरवा रह के किसनिया कहके कुछ ना पैबा ये सजना कुछ ना पैबा ये सजना और कुछ ना पैबा ये सजना छोड़ के हम जाई तो देखा भैया यहाँ का होत बा मास्टर कहे धन पाल बिंद गीता से बचनिया हो बाबा अब बीएसपी सरकार बनल यूपी दर में डेढ़ साल हो ही गई ले हमारो गवनावा हो आए कहू ना गोदिया में भैल लालन चका चक दे हाँ तुम्हारे कसमस जवनिया हो आ नौकरी में चाही बस तुम्हारी योगा दाना योजना एक दिलावा में हमारे बसला पाटी अब पूरा कैके हो वाले जाई खूब दाना वाना कहत हो कि एक योजना हम बनैले शहर में हम का करे जाई जब घरवा कुल काम हो जाए तो बीएसपी का सरकार बनल हो। मैं थाने जाकर राम सिंह पर झूठी रपट लिखाऊंगा। अब बिंद हूँ सुनवाई होगी उल्टे उन्हें फंसाऊंगा। तुम हामी केवल भर देना तब बात सही बन जाएगी। अब पैसा लेकर सिंध करूंगा काफी रुपया मिल जाएगी। गीता को सब कुछ समझा कर वह थाने ऊपर लाया है और मनोज सिंह एसओ से जाकर सारी बात बताया है। ए भैया अपने दुल्हिया के कहलन कि
जौन जौन हम कहत है वह जइए तू थाने पर बताई है तो देखा भैया कहाँ होत बा मास्टर यहाँ जाकर रपट लिखावत हूँ क्या रे बापू दरोगा जी कि बापू दरोगा जी अरे राम सिंह बन गई मैनी जगवार बापू दरोगा घर में घुस के हमारे कैले गलत व्यवहार अरे पकड़ के हमारे दुलही केऊ केरा पकड़ के हमारे दुलही केऊ अरे तेले वास्ता उतार बापू दरोगा जी अरे चबरी पापी कैले बलात्कार बापू किलापत जब हम गईली कहन लगा धमका केरे घर बकरी में तोहरे देबे केरे घर बकरी में तोहरे देबे अरे अब आगन लगा बाबू दरोगा जी बाबू दरोगा जी अरे जातक का पिल कैके बहन नऊ मार बाबू बाबूजी कहलन जाके थाने पर कि राम सिंह हमारे दुल्हे के साथ बड़ा अत्याचार कैलन है अपने हाथ मेहररुआ के ब्लौजवा फाड़ दिलन मेहररुआ का झोटा ओटा बिखरा के साड़ी ओड़ी फाड़ के लेके जात हुआ थाने पर कहा का बोल भैया अरे मोरे राम कि अरे जतिया गम की आंसू बन गई सावरी बाबा केरे ताग दामन में लागल मांगी मन मौतिया इजतिया गम की आंसू बन गई दाग दामन में लागल मांगे मन मौतिया देखा बाबूजी गल हुन मनोज सिंह दरोगा के हाँ कहत हुआ का केरे मनोज सिंह बोला है नाना चढ़ाई अपने दुलाई के केरे मनोज सिंह बोला है नाना चढ़ाई अपने दुलाई के थाने पर ले आवा जल्द बोलाई अपने दुलाई के जबकि यहाँ बया नवा हो अरे तुरंत पकड़ भाई राम सिंह के भेजब जे हाल खानवा हो भवन चला है धनी पाल हर साई अपने दुलही के अस्त व्यस्त हो साथे चला लिया अपने दुलही के अपने दुल्हे के लिया क्या वा मारे अस्त व्यस्त में पहुंचल हूं दरोगा जी के पास दरोगा जी देख के घबरा गए लन भयल का मास्टर केरे बनावट कया सुसेना बनावट कया सुसेना निकले दर्द आया भैया बिसावा
संभाल के कहलन के अपने दुल्हिया के यही जगह बैठा था। जब देखलन दरोगा जी दुल्ही के तो कहत हो के रे बाप रे बाप ई कहाँ से आन्ही आ गयल, बैठा दिलन जुट्ठा उन्हें लेके धनपाल के जात हुआ पकड़े खातिर राम सिंह के का पकड़े गल हुन। 8 बजे रातिया में आइला थानवा पर भैया बैठा रहले थानवा पर गीता हो उदास उधर से लौटलन धनपाल के लेके बाबा। गीता बेचारी चुपचाप उदास होके बैठल रहल बेचारी ते देखा कहत हुआ दरोगा सबका थाना वा पर रोक लेला साहब दुल्हन किया भैया गीता के हो भेज दे हले दुल्हन के दुल्हन गीता को मेरे दुल्हन के पास भेज दो, जाके घर में औरत के पास सोएगी और तुम चले जाओ वहां एक बैरिक है उसी में सो जाना। जब रात तनी कुछ बीतल बा दरोगा जी का नींद जब खुलल पहुंचल हुआ गीता का लगे दूठे सिपाही लेके पहुंचलन। जब दूठे सिपाही लेके तब देखा उनके संगे बड़ा अत्याचार लोग करत हुआ गलत व्यवहार करके करत का हुआ। अरे मारे दिल जान से अब दाबी के न कहिया भैया गंदे नलवा में फेंका दिल ला के खोजे लगलन। उधर तीनों जने उनके संगे गलत व्यवहार करके और उनके गंदे नाले में लाश उनकर फेंकवा दिलन बाबूजी। जब धनपाल घबरा के अपने दुल्ही के खोजत हुआ तो देखा यहाँ भयल का जीवन का रोशनिया दरोगा बाबूजी अक्का हम गैली दुल्हनिया दरोगा दुल्हन गीता कहाँ गेली साहब हमरे दुल्हन के बता दा साहब हम बड़ा गरीब आदमी है साहब मार उनसे अर्जी कर रहा बटन लेकिन सुनत ना हुआ का भल। अरे मनोज सिंह भगाई दे हले उनके फाटकार हो अब बीएसपी का पाछे पहुंचे लेके दिल में आस हो बाबूजी।
एक गरीब का कोनो सुनवाई ना भल, डीएम के पास, कलेक्टर के पास और बड़े बड़े साहब के पास जाके कहत हुआ कि साहब हम बड़े गरीब आदमी है, हमरे संगे लोग बड़ा अत्याचार कैलन, हमरे दुलही के राम सिंह दरोगा बैठे ले रलन अपने थाने पर और वही जगह से हमार दुल्हन गायब है। देखा बाबू जी एसपी साहब करता हुआ कि एसपी साहब हरी छानबीन करवाए, गिरफ्तार होए के मनोज सिंह बताए, भारत कैसेट का पैगाम आप सभी खरीदारों के नाम। नकली कैसेट से सावधान रहें क्योंकि नकली कैसेट आपके टेप रिकॉर्डर खराब भी कर सकती है। जी हां, असली कैसेट ही खरीदें। कैसेट खरीदते समय भारत कैसेट का ट्रेडमार्क देखना न भूलें। जी हां, भारत कैसेट।